नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में हम लोग वो जो जगह विजिट करके आए हैं वो है गुरु शिखर। तो जो गुरु शिखर है वो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 1722 मीटर ऊंची है जो समुद्र तल है उससे। और अब हम निकले हैं यहाँ से वापस, तो एक छोटी सी जगह मिली है। पहले मैं यहाँ करता हूँ कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक, आपको दिखाऊंगा अभी। तो आप लोग पहले देख लो ये फ़ोटो और उसके बाद में मिलते हैं आपसे आगे की ओर। तो फोटोएं आप लोगों ने देख ली, अब फोटो देख ली तो एक काम करो, एक छोटा सा टाइम लैप्स है इसको भी कर लो आप इंजॉय, और बताना टाइम लैप्स है वो कैसा लगा। वीडियो को देखते रहिए पूरा। दोस्तों आपने टाइम लैप्स कर लिया एंजॉय, और अभी हम चलते हैं जो नक्की झील है वहाँ जाएंगे। तो उससे पहले दो तीन पॉइंट हैं अच्छे अच्छे पॉइंट, तो उस पॉइंट पे मिलते हैं और बताएंगे आपको। तो ये देखिए आप कितनी खूबसूरत जो घाटी है, इसका नज़ारा देखिए दोस्तों, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ और कितनी यहाँ पर हरियाली है। तो ये काफ़ी खूबसूरत से सीन आ रहे हैं इसके जो रोड है उसके साइड के अंदर, वो कितने अच्छे अच्छे जो पौधे हैं वो लगा रखे हैं। ओ ये देखिए कितनी गजब जो घाटी है ये है। तो ये लंबे लंबे पेड़ और घुमावदार मोड़, तो इसके साथ में ही तो अब देखिए दोस्तों जो पहाड़ी है वो, माय गॉड कितनी दूर दूर तक पहाड़ी, और इतने गजब के बादल। ये दो बंदे हैं वो इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं ऊपर चट्टानों पे। दोस्तों अभी ये गाड़ी वाला काफ़ी देर से आगे आगे चल रहा है, तो करते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है आगे। और ये देखिए इधर नीचे की तरफ ये पानी का नाला जा रहा है आगे की साइड, तो यहाँ पर प्लेस मिलेगी क्या। अरे वाह देखिए तो कितनी शानदार जगह दोस्तों, यहाँ रुक के और फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह क्लिक करना वीडियो रिकॉर्ड करना तो बनता है। तो मिलता हूँ आपसे बाइक से उतर के। चलो दोस्तों देखिए कितना शानदार नज़ारा है। दोस्तों चलते चलते रुक गए हैं, एक छोटी सी झील सा है कुछ नज़ारा यहाँ, और जो गुरु शिखर का मंदिर है वो उस तरफ है वहाँ, और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये काइंड ऑफ जंगल है, और घूमते घूमते यहाँ आ गया, सोचा चलो देख लेते हैं क्या है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, और ज़्यादा पानी नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ठीक ठीक है पानी। अभी दो तीन राउंड नीचे उतरे हैं और गुरु शिखर का आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। ये यहाँ, और चलते हैं दोस्तों आगे, और कुछ मिलता है स्पेशल दिखाने को तो आगे दिखाएंगे आपको। दोस्तों जो नज़ारा है वो वाकई काबिले तारीफ और बहुत ही खूबसूरत। तो माउंट आबू का जो व्लॉग आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि मैंने ये जो जर्नी है इसको इसीलिए बचा के रख रखा था कि माउंट आबू जो विज़िट करेंगे वो विज़िट करेंगे सबसे लास्ट में। तो होप यू गाइज आर इन्जॉइंग ये जो
व्लॉग्स की सीरीज है इसको, और मैं और बाबर तो डेफिनेटली दोनों सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं और घूम रहे हैं अच्छे खासे। तो दोस्तों वीडियोस को लाइक करते रहिए, प्लेलिस्ट कंप्लीट देखिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, जितने भी नॉन अननोन सब के पास है शेयर कीजिए और ड्रॉप ए लाइक। तो देखिए कितने मतलब पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया के अंदर इस प्रकार के टर्न थोड़ा सा रिस्की होते हैं, तो जब भी आप लोग इस जगह पर आओ तो आप लोग थोड़ा सा जो है ड्राइव करने का, राइड करने का वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद में भी हम पहुँच गए हैं, ये है लवर्स पॉइंट, और ये इतनी भीड़ वगैरह हो रखी है। हम आए हैं उस साइड से, तो ये देख लीजिए आप कंप्लीट कितने सारे लोग यहाँ पे चारों ओर बैठे हैं। तो ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत सीन है, और आगे आगे तक खूब दूर तक है वो लड़के खड़े हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं, सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं। तो ये मेरे दिखाता हूँ आपको यहाँ से 360 व्यू, तो आप इस 360 व्यू को करिए एंजॉय। तो दोस्तों आई होप आपने टाइम लैप्स है वो कर ली होगी एंजॉय, और देखिए कितना जो ढलान वाला रास्ता है, और अभी हम चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत जो है वो जो बादल है वो इधर उधर जा रहे हैं, और ये जो सीन है वो जो यहाँ की हरियाली है दोस्तों यही है जो मन लुभाती है और लोगों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देती है। तो यहाँ आने के लिए गर्मियों का टाइम है वो सबसे बेस्ट है टाइम, और इस टाइम पर आप कभी भी आ जाओ। तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ का, ये टेम्परेचर भी काफ़ी कूल और बहुत ही अच्छी जो चारों तरफ जगह है देखने के लिए वो है, तो यहाँ आना तो बनता है। और अभी हम चलते हैं आगे, तो आप लोग देखिए कितने घुमावदार मोड़ और ये जो रास्ते हैं ये चट्टानों के अंदर से काट काट के बनाए गए हैं। तो देखिए आप कितनी प्यारी प्यारी जगह है, एक तो ये जो यूकेलिप्टस के पेड़ हैं ये खूब सारे हैं इस जगह पे, और लोग सेल्फीज वगैरह क्लिक करने के लिए मतलब जगह जगह पॉइंट बना रखे हैं, जगह जगह टर्न के लिए बना रखे हैं। तो आप देखते रहिए और करिए एंजॉय।